top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. Obviously, उनको फांसी से भी बुरी सजा मिलनी चाहिए क्योंकि इंसान को अपने हक है अपने ऊपर से 18 से ऊपर थी वो अपने हिसाब से कुछ भी फैसले ले सकती थी और उसको मतलब जो भी उसको आजादी दी गई उन्होंने उनके माता पिता बहुत ही हाई मतलब हाई क्लास के थे और उनको उसको आजादी दी उसके बाद फिर छीन ली मतलब उसको फिर मार डाला क्या फायदा हुआ यार अपने बच्चे को ही मार डाला इसलिए उसको फांसी नहीं उससे भी बुरी सजा मिलनी चाहिए तब तक तो कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए अभी हुआ ही नहीं है जो गवर्नमेंट देंगे वो तो सही देंगे सजा और इससे भी बदतर सजा होना चाहिए उनको जो अपने लड़की और जो नौकर था उनको जो हत्या की है दोषी तो उनको पाया गया है पर बात तो सबसे पहले ये आती है कि 5 साल से जो केस चल रहा है उसमें पहले फैक्ट्स आए फिर उनको नेगेट किया गया कि नहीं ये ट्रू नहीं है फिर दोबारा फैक्ट्स आए तो इतने टाइम के बाद जो डिसीजन लिया गया है वो कहाँ तक सही है ये हमें भी नहीं पता है क्योंकि फुल प्रूफ अभी तक नहीं मिले हैं क्या है अगर तो डिस्ट्रॉय किया है और ये फैक्ट है बिल्कुल लेकिन अभी तक फुल प्रूफ नहीं हुआ है ना सबसे बड़ी उनके लिए यही है कि उनकी जो इकलौती बेटी थी वो अभी शी इज नो मोर इन द लाइफ तो वो एक गिल्ट फीलिंग के साथ उनको रहना चाहिए तो वो जो डेथ सेंटेंस है वो तो आई डोंट थिंक सो कि फेवर करेंगे अगर उन्होंने एक्चुअली गिल्टी है तो उनको वो कहते हैं ना मर मर के जीना आई थिंक वो सबसे बड़ी सजा होगी तो दे शुड बी गिवन लाइफ इन प्रिजन में